हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन पूजा। तो फ्रेंड एंड डियर पेरेंट्स, क्या है ना कि जब भी हम बच्चों से पूछते हैं, छोटे बच्चे से, कि टाइम कितना हुआ है, तो वो बताते हैं कि लॉन्ग हैंड इस पे है और शॉर्ट हैंड इस पे है। दैट मींस कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते हैं। तो काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू वन क्लास, ये लिया है मैंने वॉल वॉच, मतलब कि दीवार घड़ी, जिसपे कि ये देखिए 12 से 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है और 1 से 2 के बीच में भी 5 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब कि 5 मिनट लगता है हर डिजिट, मतलब 1 से 2, 2 से 3 में आने में। तो अब 6 को क्रॉस कर चुका है छोटी वाली, जो ये शॉर्ट हैंड जिसे बोलते हैं। तो 6 बज चुके हैं, 6 बीत चुके हैं और मिनट कितना है, तो ये इसे हम 34 बोलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ये अभी 35 पे नहीं गया है, 7 पे नहीं गया है लॉन्ग हैंड। तो ये बच्चे 6 तो बता देंगे कि अभी 6 हो रहे हैं, लेकिन मिनट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए 6 से 7, तो ये 31, 32, 33, 34 हो रहे हैं, 6 बज के 34 में। और हमें इसके लिए बच्चों को सिर्फ 5 का टेबल याद कराना है, बस यही एक सिंपल सा चीज़ है। इसके बाद बच्चे कभी नहीं भूलेंगे टाइम देखना और मिनट वाली सुई को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कितने मिनट हुए हैं। भाई जो छोटी वाली जो है शॉर्ट है, वो जिस पे रहेगी उतने घंटे हैं, ये तो सभी बता सकते हैं, लेकिन मिनट वाली जिस पे भी रहे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए 5 का टेबल आना चाहिए। अब जैसे कि ये देखिए 7 पे जा चुका है, तो 7 को 5 जा करना है, तो 7 5 5 7 जा करना है, हर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 जा 35, यानी कि 6 बज के 35 मिनट। तो इस तरह से मिनट वाले जो ये लॉन्ग हैंड है जो अभी 7 पे है, वो जिस पे जाएगा उसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उतने मिनट हो जाएंगे। तो बस ये सिंपल सा है, तो बच्चे इससे जो है सो आसानी से सीख जाएंगे। आप इन्हें बच्चे को 2 से 3 बार 3 से 4 बार ये पूछते रहें एक दिन में, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। जो बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं अप टू वन क्लास, तो उन्हें थोड़ी सी समय तो पता होनी चाहिए कि कितने बज रहे हैं। अब काफ़ी छोटे बच्चे इतना तो बता देते हैं कि ये वाली नीडल इस पे है, मतलब ये वाली शॉर्ट हैंड इस पे, लॉन्ग हैंड इस पे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए उन्हें ये बताना ज़रूरी है। तो आप देखिए कि मैंने पहले होता है सुबह या शाम, मतलब AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम, AM बिफोर नून एंड PM आफ्टर नून। तो अब ये देखिए कि अब कोई भी टाइम पूछता है तो हमें बोलना चाहिए इट्स, मतलब कि ये अभी हो रहा है। तो शॉर्ट हैंड हो गई छोटी वाली, एंड बड़ी वाली जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हैंड। अब ये देखिए, मैंने बैंगल से या किसी भी चीज़ से आप सर्कल शेप से, सर्कुलर शेप वाले से राउंड करके बच्चे को बता सकते हैं। ये 12 है, ये 5, क्योंकि 5 बन जा करने पे 5 होगा, तो 1 पे अगर ये नीडल तो बोलना है 5, 2 पे सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मिनट अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि 12 छोटी वाली जो है शॉर्ट हैंड 12 पे है, और बड़ी वाली 3 पे, तो 3 को 5 जा कर देना, तो 3 5 जा 15। और मैंने बोला था कि 5 का टेबल, क्योंकि 3 5 जा 15 और 5 3 जा भी 15 होता है, तो इससे बच्चे एक ही टेबल, मतलब 5 का टेबल आने से वो पूरा कंप्लीट बता सकते हैं टाइम। अब जैसे कि ये है, तो 10 10 बज के 6, तो 6 को 5 जा कर देना है, 6 5 जा 30 और 5 6 जा भी 30। अब जैसे कि ये है, तो इसमें 6 तो बच चुके हैं और 5 पे है, यानी कि हमें करना क्या है, 6 और मिनट हो गए 5 5 25। तो ये हो जाएगा 6 बज के 25 मिनट। अब ये है 11, और शॉर्ट हैंड 11 पे और लॉन्ग हैंड 6 पे, दैट मीन्स 11 30, 6 5 जा, तो 5 6 जा भी 30 होता है। तो रिवर्स करके बच्चे, अगर बच्चे को 2 3 का टेबल नहीं आता है, तो एटलीस्ट 5 का टेबल आ जाने से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर शेप में आप बच्चों को कलरफुल वाले स्केच से, क्रेयॉन्स वगैरह से 10 12 घड़ियाँ बना के दे, वर्कशीट दे उन्हें, और सब में टाइम लिखने के ऊपर, इससे बच्चा अट्रैक्ट होता है पढ़ने के लिए। तो 5 का टेबल याद करा दें।
तो इसे क्या होगा, वन पे रहेगा तो फाइव वन जा टू पे रहेगा, तो फाइव टू जा थ्री पे रहेगा तो फाइव थ्री जा कर देना है, फोर पे रहेगा तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, इस तरह से जैसे कि अभी है सिक्स पे तो सिक्स फाइव जा या फिर फाइव सिक्स जा, और सेवन पे है तो सेवन सेवन थर्टी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।